ब्रह्मोस के नक्शे दम पर स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ब्राजील की पैनी नजर खरीदने को तैयार। ब्राजील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्राजील की सेना ने इस एयर डिफेंस सिस्टम का इवैल्यूएशन पूरा कर लिया है। ब्राजील की संसद की कमेटी के सामने सेना के एक बड़े जनरल ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तरफदारी की है। आकाश एयर डिफेंस एक स्वदेशी हथियार है। ब्राजील की सेना की नजर भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर है। अगर सब कुछ सही रहा तो ब्राजील जल्द ही भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस की खरीदारी को लेकर समझौता कर सकता है। यह समझौता सरकार से सरकार के तहत किया जा सकता है। दरअसल ब्राजील लंबे समय से एक मध्यम से उच्च ऊंचाई के एयर डिफेंस सिस्टम को तलाश रहा है, लेकिन उसकी यह तलाश अब भारत में आकर लगभग थम गई है। ब्राजील की सेना ने मध्यम से उच्च ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 21 जून को एक अध्यादेश भी जारी किया था। इसे एयर डिफेंस के लिए ब्राजील की सेना के रणनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। ब्राजील की सेना के अध्यादेश से लोग हैरान क्यों? इस अध्यादेश को ब्राजील के रक्षा क्षेत्र में आश्चर्य के साथ देखा गया। अभी तक स्थानीय हितधारकों के बीच यह समझा जाता था कि ब्राजील की वायुसेना उच्च ऊंचाई वाली एयर डिफेंस सिस्टम को ऑनपरेट करेगी और सेना केवल छोटी और मध्यम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम को संभालेगी। परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन 90 दिनों के भीतर सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल रिचर्ड फर्नांडीज नून्स को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्यादेश का अनुच्छेद 2 अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार टीम को परिभाषित करता है, जिसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल हैं। नवंबर 2023 से कोटेशन मांग रहा ब्राजील। नवंबर 2023 में ब्राजील की सेना ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध मध्यम ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणालियों की कीमतों पर शोध करने के लिए कोटेशन की मांग की थी। फरवरी 2024 में अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए दूसरा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन प्रकाशित किया गया था। इस साल अप्रैल में कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस एंड नेशनल डिफेंस में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल पाइवा ने देश में मध्यम और उच्च ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणालियों की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। ब्राजील की सेना ने आकाश एयर डिफेंस खरीदने का दिया सुझाव कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस एंड नेशनल डिफेंस में अपनी प्रारंभिक प्रस्तुति में जनरल टॉमस मिगुएल पाइवा ने कहा कि ब्राजील 3000 मीटर की ऊंचाई तक अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अधिक परिष्कृत तकनीकों का अभाव है। बाद में उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि उनका इरादा रक्षा मंत्रालय को मध्यम दूरी की आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हासिल करने के लिए भारत के साथ सरकार से सरकार समझौते का सुझाव देना है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।